वेलकम बैक एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वाइट सॉस प्रॉन रेसिपी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले गैस ऑन करके मैंने चढ़ा दिया है एक पैन। पैन में मैं थोड़ा सा बटर ऐड करूंगी। बटर अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाने के बाद हम ऐड करेंगे प्रॉन्स। साथ में ही हम ऐड करेंगे स्प्रिंग ऑनियंस चॉप किया हुआ। बहुत ज़्यादा हम फ्राई नहीं करेंगे, 30-40 सेकेंड्स के लिए हाई हीट पे सॉटे कर लेंगे। प्रॉन्स का जो एक कच्चा फ्लेवर होता है बस उसको हमें डिसॉल्व करना है। और स्प्रिंग ऑनियंस बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसकी जो एक क्रंचीनेस है वो रेसिपी में बहुत अच्छा टेस्ट देता है। अभी गैस ऑन करके हम चढ़ा देंगे एक पैन और बना लेंगे वाइट सॉस। पहले ही हम ऐड करेंगे बटर। इस जगह पे आप वाइट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। बटर अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाने के बाद हम ऐड करेंगे एक बड़ी चम्मच मैदा। पूरी कुकिंग के टाइम हम कंटिन्यूसली स्पैचुला को स्टियर करते हुए जाएंगे, थोड़ा सा भी हमें रुकना नहीं है। अभी हम ऐड करेंगे हाफ कप ऑफ मिल्क। अच्छी तरीके से दूध के साथ मैदे को हम मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा भी लंप ना रहे इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद हम एक एक करके सारी इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे। लो हीट पे 1 मिनट कुक कर लेंगे, फिर हम इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे और पूरी कुकिंग हम करेंगे लो हीट पे। इस रेसिपी को आप चिकन के साथ, मिक्स्ड वेजिटेबल्स के साथ भी ट्राई कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा एक हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है। अभी हम ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स 1 छोटी चम्मच, ओरिगैनो पाउडर 1 छोटी चम्मच। चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो पाउडर मेन इंग्रेडिएंट्स होता है वाइट सॉस रेसिपी में। थोड़ा सा मिक्स कर लेने के बाद इस तरीके से हम एक प्याज लेंगे, एक तेजपत्ता लेंगे और एक लौंग लेंगे और इसको हम ग्रेवी में डिप कर देंगे। इसकी और कोई काम नहीं है, ये बस ग्रेवी में अच्छा सा एक फ्लेवर ऐड करता है। एंड में हम इसको उठा के रख देंगे साइड पे। थोड़ा सा 2 मिनट लो हीट पे कुक हो जाने के बाद हम ऐड करेंगे फ्राई किया हुआ प्रॉन्स। अच्छी तरीके से ग्रेवी के साथ हम मिला लेंगे और 2-3 मिनट के लिए लो हीट पे ग्रेवी के साथ ही कुक कर लेंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे पानी। प्रॉन्स को कुक होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसीलिए इस रेसिपी को बनने में भी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अब हम पानी ऐड कर रहे हैं। पानी हम उतना ही ऐड करेंगे जितना कि प्रॉन्स को कुक होने में टाइम लगता है और जितना हमें ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से पानी ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे नमक आपके स्वाद अनुसार। ढक के 2-3 मिनट के लिए लो हीट पे कुक कर लेंगे, तब तक प्रॉन्स अच्छी तरीके से कुक हो जाएगा और ग्रेवी भी थोड़ा सा थिक हो जाएगा। देखिए हो चुका है एकदम। इनमें हम ऐड करेंगे कसूरी मेथी। हाथों की मदद से क्रश करते हुए हम ऐड कर देंगे कसूरी मेथी। इस रेसिपी में बहुत ज़्यादा टेस्ट इन्हेंस करता है। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, 30-40 सेकेंड्स के लिए कुक कर लेंगे, उसके बाद सर्व कर लेंगे। इस रेसिपी को हम मिक्स्ड फ्राइड राइस, नान, पराठा के साथ इंजॉय कर सकते हैं। घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही एक हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है। मेरा आज का रेसिपी यही तक था। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आई है और आप लोग घर में ज़रूर ट्राई करोगे। अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ बेल आइकॉन के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रेसिपी कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा।